तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रोनियोनिक। और बीबी की नई वीडियो आई है तो यार आज हम वो देखेंगे। वीडियो का नाम है इतना खर्चा। शायद वो पुराने जो आई ओपनर टाइप्स थे जिसमें एक मैसेज होता है सोसाइटी के लिए, वैसा कुछ उस तरह की वीडियो है शायद। तो वो देखते हैं, शुरू करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? बिल वो तो दिख रहा है, इतनी महंगी शॉपिंग, 15,000 की शॉपिंग करके आए ये। पापा कहाँ महंगी है, 1,100 रुपए की जीन पैंट महंगी नहीं है। ये हमारे सही टाइम बात पे है। हम 20 रुपए की पैंट पहनते थे, कभी कभी तो पड़ोसी से मांग ली, बड़े भाई से मांग ली। वो टाइम अलग था, अब जमाना बदल गया है। लेकिन तेरे माँ बाप तो वही है गरीब। बताओ 1,100 रुपए की जीन पैंट यार, इतने में तो 30-40 रुमाल आ जाते। सही बात उन है। 40 रुमालों की सिलाई कर दी ना, फिर भी एक पैंट नहीं बनेगी। इसको समझाओ तुम। बेटा पढ़ाई छोड़ के कहाँ सिलाई करने बैठेगा तू? खर्चे रोकने के लिए समझाने को बोल रहा हूँ, दुकान डालने को नहीं बोल रहा। 2,000 की शर्ट पापा डीजल की है। कितना देती है? डीजल मतलब कंपनी डीजल, गाड़ी में डलवाने वाला नहीं। ये टी शर्ट तू वापस कर दे, नहीं तो मैं इसमें सचमुच का डीजल छिड़क के आग लगा दूंगा। ऐसे कैसे वापस कर दूं? और ये पेमेंट कौन से कार्ड से की है? आपके कार्ड से। तुम बच्चे माँ बाप को बहुत बेवकूफ बनाते हो। ये मुझसे कार्ड ले गया ये बोल के जरा सी शॉपिंग कर दी। ये जरा सी है? नहीं, मैंने बोला था जरा से ही शॉपिंग करनी है। वो क्या है? कपड़ों का ब्रांड है, वहीं से तो जूते लिए। 3,500 का जूता? पापा मेरे वाले फट गए हैं, उसमें से अंगूठा दिखने लगा है। एक बार मुझे बोल देता, रोज मोची आता है घर के नीचे। कब? मैंने तो नहीं देखा। क्योंकि तुझे 12-12 बजे उठने की आदत है। अगर सफलता चाहिए ना तो सुबह 6 बजे उठना सीखो। तुमने 6 बजे उठ के कौन सा साम्राज्य खड़ा कर दिया? चुप बैठी रहो, तुम्हें मोची की आवाज नहीं आती? सिर्फ तुम्हारी आवाज आती है पूरा दिन। चाय बना दो, पकोड़े बना दो, अरे किचन में खटिया डाल दो ना मेरे लिए। ये जो तुम्हारी सैंडल है ना, वो उसी मोची ने ठीक की है। इसको बताओ कितनी बढ़िया चिपकाई है। बहुत बेकार बेटा, लंगड़ी कुटिया की तरह चलती हो। तो बता देती फिर रफू कर देता। रफू रफू इंसान हुई है ब्लाउज, कुछ नया लाके नहीं दे सकते? तुम और मैं इस पे आराम से बात करेंगे, अभी इससे निपट लें। 800 रुपए का कच्छा, ये क्या नवाबी शौक है? 800 रुपए का कच्छा कौन पहनता है? पापा मस्त इलास्टिक वाला अंडरवेयर है। तूने गुलेल बनानी है? काफी स्ट्रांग है, बहुत साल चलेगा। तू पाता है या चिमनी का धुआं फेंकता है? अपनी माँ से पूछ, वो मेरे लिए 40 रुपए के अंडरवेयर लाती है मंगल बाजार से। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके कच्छे मम्मी क्यों खरीदती है? वो हमारा निजी मामला है। तुम्हारा कच्छा तुम्हारा निजी मामला है, हमारा नहीं। अरे तुम कहां नई कहानी शुरू कर रही हो, मुझे उससे बात करने दो। हाँ भाई, और कहां लूट मचाइए? 700 रुपए का हेयर कट? नहीं पापा, मैं सिर्फ दाढ़ी ट्रिम कराने गया था, उसने मुझे बोला कि बाल कटवा लो, तो मैंने कहा ठीक है। तेरा बाप तुझे इतने महीनों से कह रहा है बाल कटा ले, तब तो नहीं सुनी, एक नाई की बातों में आ गया। पापा उसका नजरिया अलग है, आपकी बस किलस है। मैं नहीं किलसता तेरे बालों से, हमें तो एक बेटी चाहिए थी, वो कमी तूने पूरी कर दी। क्या मतलब हुआ इसका? 700 रुपए। बालों में कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा बेटा? मम्मी ट्रिम कराई है, थोड़ी स्टाइलिंग कराई है बस। किस बात की स्टाइलिंग? तूने घूम फिर के स्कूटी पे लफंगागिरी करनी है? तुम्हारे लड़के के लक्षण खराब है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ गलत करे तो मेरा लड़का, मेरे अकेले का नहीं, तुम्हारा भी योगदान है इसमें। मैं कड़ी निंदा करता हूँ इसकी। गलत क्या किया मैंने? सिर्फ बाल ही तो कटवाए हैं। इतने में 20-30 रुमाल आ जाए। इनको जुकाम तो नहीं है? तब से रुमाल रुमाल। आपने तैमूर को देखा है? इतना छोटा सा है लेकिन फिर भी टिप टॉप रहता है। उसका बाप पटौदी खानदान से है और तेरा बाप कटौती खानदान से। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। हम तो टॉवेल ओढ़ के सो रहे हैं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे खुद रजवाड़ों के खानदान से हो। सब बहुत बढ़िया नौकरी कर रहे हैं मेरे मायके में। पता है अमेरिका वाली मौसी का लड़का है ना, वो बहुत बड़ी कंपनी की गाड़ी चलाता है। वही काम वो यहाँ करता है तो उसको ड्राइवर बुलाते। ड्राइवर नहीं है, वो रेसिस्ट है। रेसर? बेटा पता है वो लोग नाश्ते में ब्रोकली खाते हैं। घटिया लोग, ब्रोकली कह रही है। चलो अच्छा है, कुछ तो सस्ता लिया है। क्या लिया है? 100 रुपए का। पार्किंग? पार्किंग? हाँ पार्किंग। अरे क्या 3-4 मुस्टंडे किराए पे लिए थे स्कूटी की देखभाल करने के लिए? अंडरग्राउंड पार्किंग, 100 रुपए की अंडरग्राउंड पार्किंग। अरे क्या पाताल में खड़ी की थी स्कूटी? दिस इज इनोग इनफ। थप्पड़ खा लेगा। और क्या लिया है? 8,000 रुपए की साड़ी। साड़ी? रणवीर सिंह जैसे शौक चढ़े इसको। अरे इतनी महंगी साड़ी किसके लिए खरीदी? अपनी दोस्त के लिए ली होगी। मैंने कोई साड़ी नहीं ली। ये सारी चीजें वापस कर। क्या नहीं हो सकती पापा? मेरा कार्ड दे अभी के अभी, मेरे पास नहीं है। झूठ मत बोल, कार्ड दे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, मम्मी को दिया तो सुबह वो मार्केट जाने वाली थी। देखा अपने लड़के को साड़ी खरीद? इतने में 400-500 रुमाल आ जाते। तो यार ये ओके, ये आई ओपनर नहीं था, ये एक तरह से कह सकते हैं कि था, क्योंकि थोड़ा खर्चा कंट्रोल करना चाहिए आप लोगों को, हम सब लोगों को। और इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए बस। वीडियो बहुत अच्छी थी, इस बार फनी वे में दिखाया हुआ है। आई थिंक मेरे हिसाब से आई ओपनर ही है।
तो बाकी आप बताइए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। बस अब आप जा सकते हैं।